हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कृषि वानिकी और एग्रो फॉरेस्ट्री पर। तो ये टॉपिक जो है बीएससी के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए, एमएससी के बच्चों के लिए और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस उनके लिए भी मिल सकते हैं, उनके लिए यूजफुल हो सकता है। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री, इसे नाम से पता चल रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी की, कृषि के साथ फॉरेस्ट। तो बेसिकली इस एग्रो फॉरेस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका मेन कारण जो है कि जो नेचर के अनुसार जो फॉरेस्ट वाटर और अर्थ का जो रेशियो होना चाहिए था उसमें 33% फॉरेस्ट का रेशियो होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है उसमें जो फॉरेस्ट रेशियो है वो 19.7% है, लगभग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब इसको जो फॉरेस्ट का कवर एरिया है इसको मेंटेन करने का क्या कारण हो सकता है कि आज के दौर में जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो पर ईयर लगभग पर कैपिटा घटता चला जा रहा है तेजी से। जो जमीन, अब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार फूड और घर और जुड़ी जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए अर्बनाइजेशन सरकारें कर रही हैं। उस अर्बनाइजेशन की भेंट जो है वो फॉरेस्ट चल रहा है, तो पर ईयर जो फॉरेस्ट कवर है वो तेजी से घट रहा है। उस फॉरेस्ट घटते फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड रीफॉरेस्ट्री या एफॉरेस्टेशन की आवश्यकता होती है। तो उसी का एक पार्ट है हमारा है कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा एक पहलू इसका एग्रो फॉरेस्ट्री का ये भी है, जैसे वर्तमान समय में सरकारें बात कर रही है कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो आमदनी है वो डबल कैसे की जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए जिससे जो उनका रहन सहन का स्तर है उसको ऊंचा उठाया जाए, तो उस काम में भी एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे नाम से पता चल रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर विद फॉरेस्ट, कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो खेती बाड़ी करते हैं, फसल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ हम फॉरेस्ट को किस तरीके से उगा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया है, कुछ सिस्टम बनाए गए, उसका कारण क्या है, क्योंकि हम सीधे हम बात कर रहे हैं कि आज के वर्तमान समय में क्वांटिटी फूड तो हम जो लेवल था उसको हम हासिल कर चुके हैं, प्राप्त कर लिया है। आज के दौर में इंडिया जो है फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो चुका है, वो अपना इंडिपेंडेंट हो चुका है, फूड के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वक्त की जरूरत पड़ी है क्वालिटी फूड की। तो क्वालिटी फूड के लिए कोशिशें की जाती है, क्वालिटी फूड के लिए हमें हासिल करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सबसे हेल्प लेनी पड़ेगी कि जो कल्टीवेशन है कल्टीवेशन में केमिकल्स का रोल जितना कम होगा क्वालिटी फूड उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा और हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत सारी जो समस्याएं हैं देश में होने वाली, विभिन्न डिजीज है उनमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रोल प्ले होता है और बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली मिलती है। तो सबसे बड़ा कि एग्रीकल्चर की जो आमदनी है फार्मर्स की वो कैसे डबल की जा सकती है, क्योंकि आजकल देखा जाए कि जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स है या जो रासायनिक खादें हैं, जो बीडीसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा आसमान छू रही हैं। तो उनसे क्या किया जाए कि जितनी लागत किसान लगाता है वर्तमान समय में उस लागत के अनुसार जो प्रोडक्शन होता है उसको कीमत बाजार में नहीं मिल पा रही है, तो किसान को डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो महंगा रसायन खरीद रहा है, महंगा बीज खरीद रहा है और उसमें महंगी, इन सब चीजों के बाद उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका कल्टीवेशन जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू नहीं हासिल कर पा रहा है, इससे वो क्या हो रहा है कि उसका रहन सहन दिनों दिन वो भुखमरी गरीबी का शिकार होता चला जा रहा है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो किसान का मन जो है वो खेतीबाड़ी से हटने लगा है, एग्रीकल्चर से हटने लगा, वो दूसरे काम ढूंढने लगा है। दूसरे कारण और भी होता है कि जब किसान या जो गाँव का ग्रामीण जो है तो खेतीबाड़ी से उभरेगा तो क्या होगा, शहर की तरफ मूवमेंट करेगा, फैक्ट्रियों की तरफ भागेगा। तो ऑलरेडी शहरों में आजकल वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो गांव की भी बेरोजगारी शहरों में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं एक अच्छे जीवन के लिए वो अव्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो बहाव है, जो एनर्जी है, जो युवा पीढ़ी है, जो जहां काम करना जीवन नहीं कर पा रही है, वो अपने एक ही क्षेत्र में जाती है, दूसरे डिपेंडेंट। उसका कारण है कि एग्रीकल्चर में पैसे का
प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, उत्पादन ना होना, आमदनी ना होना, जिससे जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है, जो युवा है, नई पीढ़ी शहरों की तरफ भाग रही है। तो इस समस्या को रोकने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उनके रहन सहन को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी फूड प्रोडक्शन के लिए, अपना एक बीमारी रहित समाज की स्थापना के लिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं सब समस्याएं जो जुड़ती हैं वो भोजन से जुड़ती है। जैसे एक कहावत है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, हमारी इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो उसी का एक पहलू हमारा है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जितना हम कल्टीवेशन करते हैं, बेसिकली फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, अपना क्रॉप उगा रहे हैं, तो उनके तो एग्रो फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन के द्वारा भी अपनी हम एक साइड इनकम तय कर सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत सारा सिस्टम तय किया जाता है कि तो एग्रो फॉरेस्ट्री में कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं है जो पूरा कोई फॉलो करे, उसमें अपने अलग अलग कंट्री के अनुसार, अलग अलग स्टेट के अनुसार और टाइमिंग के अनुसार अलग अलग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। उनमें से कुछ सिस्टम निम्न है, जैसे पहला सिस्टम हमारा है एग्री सिल्वीकल्चर। तो इसमें क्या करा गया है, क्रॉप प्लस क्रॉप, यानी कि ट्री को लगाएंगे क्रॉप के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मतलब क्या है, जैसे हम खेत हमारा जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं कि खेत की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ हम प्लांटेशन कर दें। अब जो खेत की बाउंड्री है, तो मोस्टली खेत की बाउंड्री पे इतनी अच्छी क्रॉप्स नहीं होती है, रास्ता जा रहा तो बहुत सारी क्रॉप नष्ट हो जाती है दो फीट तक। तो उससे हम खेत की बाउंड्री पर अगर हम प्लांटेशन कर देंगे, तो उस प्लांटेशन क्या होगा कि प्लांटेशन तो कई साल तैयार हो जाएगा और साथ हमारी क्रॉप भी होती रहेगी, लेकिन 5 से 10 साल में अगर वो प्लांट तैयार हो रहा है तो एक एफडी की तरह प्लांट फार्मर्स को बेच के अपना पैसा इकट्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि क्रॉप के साथ फ्रूटिंग के प्लांट लगा दें, जिनसे फ्रूट्स मिलते हैं, मार्केट फ्रूट्स बेच के काम निकाल सकता है, या कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दें जिनसे फाइबर मिल सकता है, या ऐसे प्लांट लगा दें जिनकी एनर्जी मिल सकती है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके साथ हम एग्रीकल्चर के साथ प्लांट को उगा सकते हैं। तो खेती के साथ या एग्रीकल्चर के साथ कल्टिवेशन के साथ ट्री को उगाना, प्लांटेशन करना ही कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री और कृषि वानिकी। तो हम कुछ सिस्टम की बात करेंगे जिसमें किस किस तरीके से हम क्रॉप के साथ ट्रीज को उगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, इस सिस्टम में ट्री क्रॉप के साथ उगाते हैं, यानी क्रॉप के साथ ट्री को उगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बाउंड्री पे लगा सकते हैं और बीच बीच में लगा सकते हैं डिस्टेंस से, और बीच बीच में अपनी क्रॉप सोइंग कर सकते हैं। दूसरा है बाउंड्री प्लांटेशन। हमें दो तरीके हैं कि बाउंड्री जो ट्री है केवल बाउंड्री पे लगाएंगे, बाकी अंदर पूरे पूरे जो हमारा फील्ड है उसमें खेती करेंगे। तीसरा हमारा ब्लॉक प्लांटेशन। तो इसमें हो सकता है कि किसी एक कॉर्नर पर हम प्लांटेशन कर दें, या अपने मिड में या सेंटर में प्लांटेशन कर दें, तो इसके तहत वो काम करते हैं। फिर आता है एनर्जी प्लांटेशन। अब होता क्या है कि इनिशियल सीजन में जो क्रॉप का स्टार्टिंग, उसमें हम प्लांटेशन कर देते हैं और क्रॉप भी करते हैं। दूसरा है एली क्रॉपिंग, यानी कि क्रॉप के साथ साथ ऐसे प्लांट हम लगाएंगे जो ट्री नहीं है, श्रब्स हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, या इनका जो लाइफ टाइम है वो कम हो सकता है, तो वो आता है हमारा एली सिस्टम के तहत आता है। फिर है एग्री हॉर्टिकल्चर, यानी कि फ्रूट ट्री, जैसे अमरूद के प्लांट लगा दिए जाए, आम के प्लांट लगा दिए जाए, आंवला के प्लांट लगाइए, सबसे यूजफुल है आंवला के प्लांट लगा दिए जाए, नींबू के प्लांटेशन कर दिया जाए, और उसके साथ साथ में खेती भी होती रहे, इस तरीके से आती है हॉर्टिकल्चर फ्रूट ट्री क्रॉप सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम को प्लेन्स में कम लेकिन हिल एरिया में अधिक फॉलो किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एग्री सिल्वीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, ट्री लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, और उनके साथ एनिमल भी पाल सकते हैं। एनिमल इसे कहते हैं, एक कंपाउंड सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि हम खेती करते हैं तो खेती का प्रोडक्शन होगा, चारा उगा सकते हैं, चारा के साथ क्रॉप उग रही है, ट्री उग रहा है, और वही एनिमल्स का भी रहने वहने खाने का इंतजाम है। जैसे कि हमने कुछ चारा उगाया है, फिर हमारा घर से दूर है, तो अगर हम देखा जाए एनिमल्स को वही वहीं पर हम सेटल कर दें, शेल्टर हाउस बना दें उनका, तो चारा वहीं से हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग बच सकता है, और उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी होगी। और जो खेती बाड़ी क्या होगा कि जो एनिमल्स का वेस्टेज होगा वो ट्री और क्रॉप दोनों में फूड में यूज हो सकता है। तो इस तरह से सर्कुलर चल सकता है। फिर फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री, ट्री प्लांट, पास्चर, तो और भी दूसरे काम इस तरह से कर सकते हैं। फिर है बेल्ट ब्रे, यानी कि ये वाला जो प्लांट सिस्टम है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, बेसिकली रेगिस्तान एरिया जो राजस्थान का एरिया है वहां पर किया जाता है। इसमें क्या करें, बाउंड्री में ट्री लगा दिया जाता है, अंदर क्रॉपिंग होती है,
तो विंड ब्रेक वहां क्या होता है कि हवा के द्वारा जो चलता है सॉइल पार्टिकल्स या रेन जो हमारे होते हैं फाइन पार्टिकल्स वो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड को कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस कवरअप होने से फर्टाइल नहीं रहती है, जिससे नष्ट हो जाती है वो पूरी तरीके से खराब। तो उससे बचाने के लिए हम विंड ब्रेक यानी कि प्लांट को लगाते हैं झाड़ी टाइप लगाते हैं बाउंड्री चार कवर कर देते हैं उससे प्लांट से, तो उसमें विंड ब्रेक सिस्टम का उपयोग करा जाता है। फिर लेवल फेंस, फिर इसमें क्या है कि ट्री लगा दिया बाउंड्री पे और वो काम कर दिया जाता है। अंडर ट्री जो होते हैं हल्की सी बाउंड्री लगा दी जाती है जैसे कि हिना वगैरह लगा दी जाती है। फिर है हेवी स्टेट यानी कि इसमें क्या होगा फ्रूट ट्री लगा दिए जाएंगे और फ्रूट ट्री के साथ साथ वेजिटेबल्स कर दी जाएगी, तो इसमें बाउंडेशन नहीं बाउंड्री पे लगाएंगे, इसमें बीच बीच में हम लाइन लगा सकते हैं, बीच बीच में इस तरीके से लाइन इसमें यूज कर सकते हैं कि जिस तरीके से अगर देखा जाए इस तरीके से हमारा क्रॉप फील्ड है तो बीच में हम ट्री की लाइन लगा सकते हैं और इस तरीके से जो बचा हुआ एरिया है इसमें वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसको प्रयोग किया जाता है। एग्रो-फॉरेस्ट्री तो इसमें सेरिकल्चर ट्री प्लस सेरिकल्चर होता है। फिर एग्रो-फॉरेस्ट्री की फॉरेस्ट्री और फिशेज का कल्टीवेशन होता है पॉन्ड्स में, तो पॉन्ड्स की बाउंड्री में चारों तरफ हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और उसके साथ फिश जो फार्मिंग है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं, कराए बहुत सारे सिस्टम है जो एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज होते हैं। अब बेसिकली इसमें आमदनी के साथ साथ और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो एग्रोफॉरेस्ट्री में होते हैं, इन पर हम बाद में बात करेंगे थोड़ा। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो एग्रोफॉरेस्ट्री बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री में बेसिकली देखा गया रिसर्च के अनुसार कि एंजियोस्पर्म की 9 फैमिलीज हैं जिनके प्लांट को एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज किया जाता है। उन 9 फैमिली के प्लांट में 650 स्पीसीज आती है जिनको एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए माना गया है या स्थान किया गया। उनमें से क्या है कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है वो देखा जाए कि लार्ज फैमिली है, इसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, माइमोसोसी, पेपिलियोनेसी, सीजलपेनेसी। तो इन फैमिली में बेसिकली कुल मिलाकर जो प्लांट्स है सबसे ज्यादा कवर करते एरिया 320 प्लांट्स जो है माइमोसोइड्स या माइमोसोसी फैमिली से आते हैं, 1700 पेपिलियोनोइड्स पेपिलियोनेसी फैमिली से आते हैं और 25 प्लांट्स जो है वो सीजलपेनेसी फैमिली से आते हैं। उसके बाद ब्यूटेनेसी, केजुरानेसी, कोर्नेसी, लिनेसी, मेडेसी, रेमिनेसी, रोजेसी और एल्मेसी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनका हम यूज जो है सोशल फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री में भी करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब इन प्लांट्स को क्यों सिलेक्ट किया गया है, बेसिकली हमारा आमदनी के साथ साथ सॉइल, जैसे हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि सॉइल का क्वालिटी कंट्रोल, सॉइल में भी क्वालिटी कंट्रोल कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फेट, इसका लेवल किस तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स को यूज किया गया। इससे पहले पढ़ चुके हैं कि लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है उनकी रूट्स के अंदर रूट नूडल्स पाई जाती है, बताया था हमने इस तरीके से, और वो क्या करती है रूट्स जो होती है रूट नूडल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है इन फैमिली में भी रूट नूडल्स पाई जाती है और जो रूट नूडल्स पाई जाती है वही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। तो वो ये लेग्यूमिनेसी की सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए इस फैमिली के ट्रीज को एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए चुना गया है। अब इसके साथ साथ और बहुत सारे दूसरे प्लांट हर्ब और श्रब्स है जो एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज किए जाते हैं, पाम्स है। तो पाम्स का बेसिकली एक्युमुलेशन का काम होता है, पोटेशियम को एक्युमुलेट करता है, फर्न नाइट्रोजन को एक्युमुलेट करते हैं, ज़ेबेलाइना अरेबिका कैल्शियम को एक्युमुलेट करती है और सेरेपिया सेरोपिया स्पीसीज जो होती है वो फास्फोरस को एक्युमुलेट करती है। तो कंटेंट में करते हैं इस तरीके से क्या करते हैं कि एग्रोफॉरेस्ट्री में प्रोडक्शन क्रॉप के साथ हो रहा है, पैसा मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, फाइनेंस का हो रहा है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। आपको कैसे होते हैं, हम प्रूनिंग करते हैं जो उनका वेस्टेज मटेरियल होता है, लिटरफॉल होता है, लीव्स है, वो सब एग्रीकल्चर फील्ड में गिरती है। तो जब एग्रीकल्चर फील्ड में जब गिर जाती है, लिटरफॉल होता है और जो प्रूनिंग से बचती है पत्तियां, लीफ और दूसरा जो यूजलेस प्रोडक्ट होता है प्लांट का वो उसी एग्रीकल्चर फील्ड में गिरता है और जब गिरता है तो डिकम्पोज होता है, जब डिकम्पोज होता है तो सॉइल के अंदर
कार्बन की मात्रा बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, नाइट्रोजन बढ़ता है, फास्फोरस बढ़ता है, इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो इनके द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और फार्मर्स के लिए एक्स्ट्रा आमदनी भी हो रही है। इसके साथ साथ एग्रोफॉरेस्ट्री के कारण क्या हो रहा है, एनवायरमेंटली और क्लाइमेटली भी बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया घट रहा है एग्रोफॉरेस्ट्री के द्वारा उस फॉरेस्ट घटते फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और इससे निकलने वाला क्लाइमेट में बहुत सारा पॉल्यूशन है उसके द्वारा भी कंट्रोल होता है। इसलिए एग्रोफॉरेस्ट्री फार्मर्स के लिए, देश के लिए और एनवायरमेंट के लिए हर तरह से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सोशल फॉरेस्ट्री में प्लांट यूज किए जाते हैं जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जिसे कि पहले आज भी इकुलिप्टिस उगाया जाता था, पापड़ उगाया जाता था। तो बेसिकली क्या है, इकुलिप्टिस को उगाने का कारण मैंने क्या था कि जो भारत देश है उसका उत्तर भारत का एरिया जो था वो वाटर लॉगिंग एरिया था। जो हमारा देश बहुत पहले एंशिएंट की बात बता रहा हूँ, जब देश गुलाम हुआ था उस समय जब ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे तो मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता था। तो मलेरिया फैलता था, उस वाटर को कैसे कंट्रोल किया था, तो उन्होंने वाटर को सुखाने के लिए जो अडाप्ट किया था लिप्टिस प्लांट था उसको लगा था, वाटर बॉडी ग्लास से सूख गई, वाटर पाइन ग्लास कम हो गया, तो उन चीजों को कंट्रोल किया, उसमें लिप्टिस लगाया गया था जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, लेकिन उसको वाटर भी बहुत तेजी से वो लॉस करता है, बहुत सक करता है, इसलिए वो प्लांट जो हार्मफुल है तो उसको लगाना चाहिए, उन्हें इन प्लांट का यूज करना चाहिए। एक और प्लांट है जो नॉर्थ इंडिया में कम लेकिन साउथ इंडिया में तेलंगाना कर्नाटका वाले एरिया में इस प्लांट को लिकेनिया ल्यूकोसिफेला नाम के प्लांट है। इसका कल्टीवेशन क्या आता है, लार्ज मात्रा में ह्यूज मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काम आता है। लगभग 300 से 600 किलोग्राम पर हेक्टेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसको वहां पर मिडिल हाइट का प्लांट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसलिए जो एग्रोफॉरेस्ट्री है वो बहुत ही यूजफुल है।